छोटी सी जिंदगी में तेरी मेरी एक जिंदड़ी। मनीषा अभी तक नहीं आया इसलिए हमारा स्ट्रेस जो है ना कम हो जाए। अभी 6:12 बजे। अच्छा क्या लगता है तुम्हें, अभी पहले तो हेडपंप उखाड़ा था। अच्छे लेके आए हो संदीप जी यार, क्या कोई आई फ्लू वो तो दिख रहे हैं, बहुत फर्स्ट क्लास है। अरे अंदाज तो अच्छा ही है, हेडपंप नहीं है बस। गदर की स्टाइल में, इसका टेक है गदर की स्टाइल में। चल दोस्ती आ जा रहे हैं, हम अपनी पत्नियों को लेकर के नहीं आए, मतलब हमारी वाइफ को। खाओ ना वो चल तुझे इश्क दिखाते हैं, चल तुझे इश्क दिखाते हैं, चलना तुझे इश्क दिखाते हैं, हम तुझे गदर दिखाते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं आपका चैता आरजो में फिर से स्वागत करता है। एक नंबर आप सबको सलाम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल केम छो। चारों दोस्त ही मिल करके जा रहे हैं तो मैं अपनी शायरी से छेड़ रहा था घर पे, थोड़ा सा नाराज तो हुए घर वाले, बट कभी कभी अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी ऐसी मूवीज देखना बनता है यार, ताकि आप खुल करके एंजॉय कर सकें। मैंने सच बताऊं तो मैंने टॉकीज में जाते में फुल था, टॉकीज जो था फुल था, जाते में तुरंत मैंने चलाना चालू कर दिया एक जोश के साथ। तो वो चीज़ जब वाइफ होती है या फिर आपके साथ कोई होता है तो इतना जोरों शोरों से आप कर नहीं सकते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 15 दिन से हम टीम तैयार कर रहे हैं गदर के लिए टीम, और मतलब कंटिन्यूस चारों ऊपर नीचे हो रहे हैं, और कल 4 जनों की फाइनली मैंने ऑफलाइन टिकट बुक करवाई है, D6, D7, D8 और D9। कल गदर में गदर जैसी स्टाइल मारेंगे। अभी नहीं आना चाहता, ये शायद कह रहा है मुझे कल आएगा। तो हम इतने परेशान हो गए, हमने पैसे लिए सबसे 4 जनों से, साला एक को फोन करो तो मैं यहाँ बिताऊ, दूसरे को फोन करो मेरा ये काम है, तीसरे को फोन करो आई टी हो रखा है, चौथे को फोन करो मेरे को मीटिंग में जाना है। आज हमने सबसे पैसे ले लिए पहले से और कल की टिकट बुक करवाई 4 जनों की। तो फिक्स हो गई? यस फिक्स हो गई। खाओ ना वो माता की जय। ठीक लड्डू। अरे बाप रे गदर, तीसरा चौथा बाकी है। आप माता की जय। मनीष आने वाला अभी, मनीष कभी इतना जल्दी नहीं आता। मनीष स्पेक अच्छे लेके आए हो संदीप जी यार, तभी तो सर प्रोटेक्टिव है ना, वो तो दिख रहे हैं बहुत फर्स्ट क्लास है। थैंक यू सर। थैंक यू। अरे कहना क्या चाहते हो? जा काले जावा तेरे फिर बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मीठी अंबिया, ये छोटी सी जिंदगी में बात लंबिया लंबिया कि तेरी मेरी एक जिंदगी। Once more! मनीष अभी तक नहीं आया इसलिए हम यहाँ आगे डीएल सिनेमा के आगे जो स्पेस है ना उसमें खड़े रह करके गाना गा रहे हैं, ताकि हमारा स्ट्रेस जो है ना कम हो जाए। अभी 6:12 बजे पर अभी तक वो नहीं आया है, हमसे पहले आ गया पर नहीं आया, उसका घर भी पास ही है। ए भगवान, पास है इसलिए वो नहीं आया। एक शब्द नहीं। अच्छा क्या लगता है तुम्हें, अभी पहले तो हेडपंप उखाड़ा था ठीक है, इसमें क्या है हथौड़ा लेके दौड़ रहा है। गदर की स्टाइल में, इसका टेक है गदर की स्टाइल में चल रहा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हम वो चीज जो है वो खुमार जो है वो दोस्तों के साथ ही आप पूरी तरह से निकाल सकते हो, तो इसीलिए मैं चिढ़ा रहा था इस शायरी के साथ।
स्पेल हो गया है। ऐसी बहुत चिल्ड है, ऐसी बहुत चिल्ड है। इंटरवेल हो चुका है और इसमें जो तारा सिंह का रोल किया वो सन्नी देओल ने किया है। और सन्नी देओल की जो बियर्ड है, दाढ़ी, वो ओरिजिनल है। काफ़ी टाइम से इस लुक के लिए सन्नी देओल ने इस लुक को रखा था, अपनी बियर्ड को बढ़ाया तारा सिंह के रोल के लिए। तो मोस्टली होती है कि आर्टिफिशियल बियर्ड लगाई जाती है, पर जब तक शूट पूरा नहीं हुआ तब तक उस बियर्ड को रखा। आप गौर से देखिएगा। रिव्यूज़ की बात करूँ तो गदर 2 अच्छी है। साउंड इतना तेज़ था कि थोड़ा सा हो जाता है कि बहुत हैवी साउंड होता है ना, तो हमारा थोड़ा सा सिर भारी हो जाता है। बट स्क्रिप्टिंग बेस्ट और उत्कर्ष शर्मा की एक्टिंग भी बेस्ट। सनी देओल देओल पाजी के साथ में वो बिल्कुल पूरी तरह से सेट हुआ। और स्टोरी की बात करूँ तो स्टोरी का कम्युनिकेशन बहुत ही प्यारा था। गदर 1 को लेकर के गदर 2 को इस तरह से कंसेप्ट में क्लिक किया है उसने कि हर चीज़ पिक्चराइजेशन क्लियर थी। और सबसे अच्छा शॉट जो था वो था हेडपम्प वाला, जब फर्स्ट में हेडपम्प को हाईलाइट किया था और इस सेकंड में भी हेडपम्प को हाईलाइट किया, बट उखाड़ा नहीं, इस बार कुछ और ही उखाड़ दिया। ये छोटा सा वीडियो था, आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। गुड बाय। ये था मेरा रिव्यूज़ छोटा सा गदर 2 के लिए। जय हिंद, जय भारत।